तो जैन दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। और दोस्त, आज के अपने इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th के चैप्टर 2nd टिशू को। तो दोस्त, वैसे आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो दोस्त, चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम दोस्त क्या है, टिशू। और इंटरेस्टिंगली, चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है वो क्या है दोस्त, टिशूज ही है ना। तो सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं अगर कि टिशूज क्या होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि टिशूज क्या है, बेसिकली ये कम्बिनेशन है बहुत सारे सेल्स का। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ, देखिए, जब बहुत सारे सेल्स जो कि क्या हो, सिमिलियर स्ट्रक्चर और शेप के हों, है ना, और उनकी ओरिजिन भी दोस्त कैसी हो, कॉमन हो, तो वो जब मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम दोस्त क्या कहते हैं, टिशू कहते हैं, है ना दोस्त, क्या कहते हैं, टिशू। देखिए, एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सिमिलियर स्ट्रक्चर एंड दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिशू। जब बहुत सारे सेल्स, है ना, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं तो उसे दोस्त क्या कहते हैं, हम टिशू कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑल सेल्स ऑफ टिश्यूज हैव कॉमन ओरिजिन, जितने भी टिश्यूज हैं उनकी क्या है, ओरिजिन भी कॉमन होती है, मतलब जहां से वो बने हैं, जहां से उनकी फॉर्मेशन हुई है, वो सेल्स भी क्या है, उस एक जैसे ही हैं इनकी। इसीलिए क्या कहते हैं हम कि इनकी ओरिजिन जो है वो क्या है, कॉमन, कॉमन सेल से इनकी ओरिजिन हुई होती है, ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, अगर मैं टर्म की बात करूं, इस टिश्यू टर्म की, तो सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था बाइचेट ने इन 1792 में। इस टर्म का जो नाम है टिशू, उसको दोस्त किसने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन किया था, बाइचेट ने इन 1792। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि सेल्स की स्टडी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, है ना, साइटोलॉजी, ऐसे ही दोस्त क्या है, टिशूज की भी स्टडी होती है, जिसे हम दोस्त कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक ही आपको समझ में आया होगा ये टर्म किसने कॉइन किया है, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं और टिशू ही हम किसे कहते हैं। अब दोस्त बात आती है इस चैप्टर की, या फिर ये टिश्यूज जो है इनकी इम्पोर्टेंस की। तो देखिए दोस्त, इम्पोर्टेंस अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंस में पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट फैसिलेट्स डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर को फैसिलेट करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर हम बेसिकली सेल चैप्टर में भी देख चुके हैं, पर दोस्त एक बार यहाँ पे और समझ लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। जैसे देखिए, समझिए, जैसे ये क्या है, ये एक ह्यूमन है ना, इसको मान लीजिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, और वो फंक्शंस का नंबर मान लीजिए कितना है, 10 है ना, फंक्शन परफॉर्म करने हैं इसे जो कि 10 हैं। अब देखिए दोस्त, इसके पास जो नंबर ऑफ टिश्यूज हैं वो मान लीजिए कितने हैं, 6 है ना, 1 2 3 और ये 4 5 6, मान लीजिए इसके पास कितने, 6 टाइप्स के टिश्यूज हैं, और इन टिश्यूज को कम्बाइनली मिलके फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जो कि नंबर में कितने हैं, 10 है ना। तो इसमें से मान लीजिए जो पहला टाइप का टिश्यू है, ये मान लीजिए 2 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ना, दूसरा वाला भी 2 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए तीसरा वाला भी कितने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, 2 फंक्शन। अभी कितने हो गए अभी तक, 2 2 4 2 6, ये भी मान लीजिए ये कितने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, 2। अभी कितने हुए यहाँ तक, 8, और ये दोनों मान लीजिए कि ये कितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, 1 1, है ना, ये दोनों कितने हो गए दोस्त, मिलके 10 हो गए। तो अब देखिए दोस्त, जितने फंक्शंस थे वो सब डिवाइड हो गए, है ना, उन सबका क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो इसी चीज को दोस्त हम क्या कहते हैं, अल्टीमेटली डिवीजन ऑफ लेबर। जितना फंक्शन परफॉर्म करना था, जितना काम करना था, वो सबका क्या हुआ, बंटवारा हो गया, सब टिश्यूज के पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में वर्क्स करने को मिला, है ना। इसे ही दोस्त हम अल्टीमेटली क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। तो टिश्यूज जो है क्या फैसिलिट करते हैं दोस्त, डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये एक इनकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट दोस्त हमसे क्या कह रहा है, लोड ऑफ वर्क ऑफ सेल्स डिक्रीज। देखिए, जब जैसे मान लीजिए ये टिश्यूज है मेरा, है ये एक टिश्यूज है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे ये सेल्स हैं, तो जब ये टिश्यूज जो है कंबाइनली वर्क करता है, तो इसके अंदर जो सेल्स हैं, है ना, जो सेल्स हैं उनका क्या है, वर्क का अमाउंट या फिर इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना, जिससे अल्टीमेटली दोस्त क्या होता है कि इन सेल्स का जो वर्कलोड है
जो एक सेल के ऊपर काम का लोड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो टिश्यू जब कंबाइनली वर्क करते हैं तो उनके सेल्स में क्या है, जो वर्क लोड होता है वो कम हो जाता है, वर्क लोड ऑफ सेल्स वॉट डिक्रीज। ठीक है दोस्त, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इट एनहेंस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सेल। अब देखिए दोस्त, जब यहाँ पे वर्क लोड कम हो गया इन सेल्स का, तो क्या है अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, काम करने की जो इनकी क्षमता है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जब अगर ये पहले कुछ थोड़ा सा कम काम कर रहे होंगे, जब ये इंडिविजुअल अकेले अकेले काम कर रहे होंगे, तो जब उसी काम को ये ग्रुप में परफॉर्म करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, ये उस काम को और ज्यादा समय के लिए कर पाएंगे बिना थकावट या रुकावट के, है ना। तो जिससे क्या है, इनकी एफिशिएंसी जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये इनकी इम्पोर्टेंस है। अब देखिए, सारे टिश्यूज जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये ऑर्गेन्स को बनाते हैं। ये हम सेल चैप्टर में भी देख चुके हैं ना, सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गेन्स को बनाते हैं। ऑर्गेन्स जो है वो क्या है, वो ऑर्गेन सिस्टम को मिलकर बनाते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली किसकी फॉर्मेशन करते हैं दोस्त, एक ऑर्गेनिज्म की, है ना। तो देखिए ये क्या है, ऑर्गेन्स क्या है बेसिकली, मैं क्या कह सकता हूँ, टिश्यूज जब बहुत सारे कंबाइंड हो जाते हैं तो दोस्त वो क्या बनाते हैं, वो मेरे ऑर्गेन्स बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स, है ना, जो डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेड ऑफ टिश्यूज दैट डू स्पेसिफिक फंक्शन और वी कैन से जो, है ना। तो इसमें दोस्त क्या यहाँ पे फेल होगा, ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज दैट डू स्पेसिफिक जॉब, है ना दोस्त। तो मुझे लगता है इस स्लाइड्स पर जो भी गिवन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली स्लाइड्स को देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अब जो अपने पास टॉपिक आता है वो क्या है, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के टाइप्स, है ना। तो इसमें मेनली जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज ही दिए हुए हैं, जिसमें से हम पहले दोस्त किसको देखेंगे, पहले अपने प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे, फिर एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्त। तो देखिए प्लांट टिश्यूज के क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, है ना, इनको डिवाइड करें इनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पर, तो देखिए दोस्त प्लांट टिश्यूज जो है वो किस किस ग्रुप में, किस किस फर्दर सब डिवीजन में डिवाइड होते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले दोस्त ब्रॉडली ये किस में, दो कैटेगरीज में डिवाइड है, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट। ये दोनों कैटेगरी दोस्त किसके बेसिस पर हैं, ये दोनों कैटेगरी दोस्त इनकी सेल्स जो हैं, इन टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की या नहीं, एबिलिटी ऑफ डिवाइड डिवीजन, है ना। ये दोनों ब्रॉड कैटेगरीज किसके बेसिस पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड की गई हैं, कि ये जो इनके सेल्स हैं उनके पास डिवीजन की कैपेसिटी या फिर एबिलिटी है कि नहीं। अगर तो उस डिवीजन की एबिलिटी है तो वो मेरे किस में बांट दिए गए हैं, वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू में बांट दिए गए। और वो सेल्स जिनके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है वो दोस्त किस में बांट दिए हैं, परमानेंट टिश्यूज में बांट दिए हैं। अब वो सेल्स में कह रहा हूँ मतलब मैं, है ना, जो टिश्यूज हैं उनके सेल्स की, तो उन सेल्स के पास अगर एबिलिटी है डिवीजन की तो वो मेरिस्टेमेटिक में है, और अगर नहीं है तो उन्हें किस में बांटा गया है दोस्त, परमानेंट टिश्यू में। फिर अगेन इन ये जो दो सब कैटेगरीज हैं इनको डिवाइड किया गया है ना दोस्त, इनको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, जैसे देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं इनको डिवाइड किया गया है तीन टाइप्स में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकलरी मेरिस्टेम। अब इनको दोस्त किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, इनको बेसिकली डिवाइड किया गया है पोजीशन के बेसिस पर, है ना, पोजीशन के कौन सा मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पर इन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एपिकल, लेटरल और इंटरकलरी। अब जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनको दोस्त फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इनको दोस्त बेसिकली किस बेसिस पर बांटा गया है, इनको बांटा गया है टाइप ऑफ सेल अवेलेबिलिटी, टाइप ऑफ, है ना, बेसिकली मैं रखता हूँ टाइप ऑफ सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, देखिए जो सिंपल वाले परमानेंट टिश्यू हैं वो दोस्त मेरे कौन से टिश्यू हैं, जो केवल एक टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं, एक टाइप के सेल से, है ना, बने हुए हैं, तो ये दोस्त मेरे किस में आ जाते हैं, सिंपल में। और वहीं कॉम्प्लेक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक से ज्यादा टाइप के सेल से जो मिलके टिश्यूज बने हुए हैं वो दोस्त मेरे किस में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, है ना, एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं वो कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए फिर ये सिंपल टिश्यूज जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इन्हें अगेन क्लासीफाई किया गया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। ये दोस्त किसके बेसिस पर है, ये बेसिकली ये डिवीजन जो है हमारा ये फंक्शन के बेसिस पर है, जो ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। सबका बेसिस दोस्त अलग अलग है, ये आप याद रखिएगा, ये फंक्शंस के बेसिस पर है। जैसे पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोलेनकाइमा कुछ और,
और स्केलेरोन्काइमा कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फिर दोस्त कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को अगेन डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, जाइलम और फ्लोएम। अब ये दोस्त ये वाला डिवीजन किसके बेसिस पर है, ये भी बेसिकली फंक्शंस के बेसिस पर ही है ना, फंक्शंस के बेसिस पर ही ये भी डिवीजन है। इस बेसिस पर कितने में डिवाइड किया गया है दोस्त, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम्स के जो है वो क्या है, कुछ कुछ अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है, ये वाले टिश्यूज मेरे बहुत सारे टाइप्स के सेल से मिलकर बने हुए हैं ना, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनके अंदर क्या है, कई तरीके के हमारे सेल्स प्रेजेंट है, उनको हम इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अब ये क्या है, हमारे पास वन बाई वन हम इन टिश्यूज को कवर करेंगे अपने। तो सबसे पहला डिवीजन दोस्त देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास प्लांट टिश्यू में, मेरिस्टमेटिक टिश्यू है ना। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू से चलिए शुरुआत करते हैं और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्त, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो हैं ये क्या हैं, इनके सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं ना, ये वो टिश्यूज हैं जिनके सेल्स के पास क्या है, डिवीजन की अवेलेबिलिटी होती है ना, डिवीजन की अवेलेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं एबिलिटी होती है। वो सेल्स जिनके पास क्या है, डिवाइड होने की, अपने आप को डिवाइड रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है, वो दोस्त मेरे क्या है, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज है ना। इनके पास डिवीजन की अवेलेबिलिटी है और ये किस में मेनली हेल्प करते हैं, इंक्रीजिंग लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट्स की लेंथ और क्या है, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई और मोटाई को बढ़ने में ये मेनली हेल्प करते हैं। तो दोस्त देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की अब अगर हम बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं दोस्त, तो इनकी वॉल जो है वो किससे बनी होनी है, सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज से इनकी वॉल बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्त क्या आता है दूसरा पॉइंट, सेल्स में भी स्फेरिकल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर और ओवल। जो सेल्स का जो शेप है वो दोस्त कैसा हो सकता है, स्फेरिकल भी, पॉलीगोनल भी, रेक्टेंगुलर और ओवल भी, मतलब इनका जो है मल्टी टाइप के शेप इनके अंदर होते हैं। यहाँ पे दोस्त बेसिकली ये क्या दिए हुए हैं, ये हेक्सागोनल शेप दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हेक्सागोनल ही हो, सेल्स के शेप इनके जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे स्फेरिकल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर और ओवल कुछ भी है ना दोस्त। अब देखिए इसके बाद दोस्त क्या पॉइंट है, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, जो इनके सेल्स है ना मेरिस्टमेटिक टिश्यू के, याद रखिएगा इनके सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा कैसे अरेंज है, कॉम्पैक्टली मतलब बहुत ज्यादा पास पास, और उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में नहीं है, ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, पास पास है, स्केटर्ड नहीं है, पास पास है ना। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्त क्या है, सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियर। देखिए इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, डेंस मतलब वो क्या है, काफी ज्यादा थिक है ना, थिक है, और क्या है, इन सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है, एज कम्पेयर टू जो शेप है सेल्स का, उसके जो सेल्स का शेप है उसके कंपेरिजन में जो इनके न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है, वो थोड़ा सा बड़ा है ना। तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के सेल्स की। अब देखिए दीज आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, क्योंकि ये जो है ये सेल्स या फिर ये टिश्यूज जो है प्लांट्स की किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी लेंथ या फिर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो दोस्त जितने भी ग्रोइंग रीजन है ना प्लांट के, वहां पर ही ये मेरिस्टमेटिक टिश्यूज मेरे क्या है, पाए जाएंगे है ना। अब इनके जो डिवीजन है उन्हें समझते हैं। चलिए दोस्त देखिए, ऑन बेसिस ऑफ पोजिशन है ना, यहाँ मैं कह सकता हूँ ऑन बेसिस ऑफ पोजिशन, पोजीशन के बेस पर, अब इन टिश्यूज की पोजीशंस के बेस पर यही टिश्यूज मेरे कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो दोस्त देखिए एपिकल मेरिस्टेम में अगर आपसे सिंपली आसान भाषा में एकदम बताऊं, तो एपिकल मेरिस्टेम मेरे कौन से हैं, वो टिश्यूज हैं जो जितने भी प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन हैं, ये क्या है, जैसे मान लीजिए प्लांट्स की मेरी एक लीफ है ना, तो जब इस प्लांट्स की लेंथ बढ़नी है, मान लीजिए है ना लेंथ बढ़नी है, तो लेंथ बढ़ेगी तो थोड़ा सा ये बड़ी होगी लीफ है ना, बड़ी होगी तो ये ऐसी हो जाएगी कुछ, तो जो जितने भी ये ग्रोइंग टिप्स वाले रीजन है ना, ग्रोइंग टिप जहां से प्लांट की क्या है एक्सटेंशन बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, उन सारे रीजन पे मेरे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, तो बेसिकली एपिकल। ठीक है, अकर एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट, या फिर हम लीव्स भी कह सकते हैं। अब ऐसे ही स्टेम की जो ग्रोइंग टिप्स है ना, स्टेम जहां से बढ़ रही है, या फिर मेरी रूट्स, जैसे देखिए ये रूट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, रूट्स, डिफरेंट रूट्स है ना, इनकी जो टिप्स हैं
यहाँ पे ये टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो कि किसमें हेल्प कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन हो रहा है उनके अंदर और वो प्लांट की क्या लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्त, अपने पास कौन सा टिश्यूज है? लेटरल मेरिस्टेम है ना, एपिकल अभी हमने देखा। एपिकल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीजिंग लेंथ। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे लीव्स हैं या फिर स्टेम्स हैं या फिर रूट हैं, उनकी जो है ग्रोइंग रीजन या उनकी टिप पर ये प्रेजेंट होता है, जो अल्टीमेटली किसमें हेल्प करता है? इंक्रीजिंग लेंथ में। अब अपने पास दोस्त कौन सा है टिश्यू? लेटरल मेरिस्टेम। ये दोस्त मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द डायमीटर। ये डायमीटर या फिर गिर्थ को बढ़ाने के लिए, पेड़ जो है उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है दोस्त? मेरा लेटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए दोस्त, इट मेनली फाउंड्स बीनीथ द बार्क इन वास्कुलर बंडल्स। जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है ना, तो यहाँ पे क्या है, वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट जो होते हैं उनके नीचे ये प्रेजेंट होता है ना। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अल्टीमेटली ये प्लांट के गिर्थ या फिर डायमीटर को बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा टिश्यूज जो दोस्त मेरे पास आता है पोजिशन के बेस पे, वो कौन सा है? इंटरकेलरी मेरिस्टेम। ये टिश्यूज का दोस्त मेनली क्या फंक्शन है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ऑर्गेन। इसका मेन फंक्शन है जितने भी ऑर्गेन्स हैं, जैसे लीव है ना, लीव या फिर स्टेम है या फिर रूट्स हैं, ये तो इनकी लेंथ को बढ़ाता है मेरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसकी लेंथ को बढ़ा रहा है? ये ऑर्गेन्स की, प्लांट ऑर्गेन्स की। जैसे प्लांट की खुद की लेंथ बढ़ रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गेन्स की जब लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये दो लीव्स हैं यहाँ पे, है ना, दो लीव्स हैं। तो ये जहाँ से लीव की शुरुआत होती है, जैसे दोस्त देखिए ये वाले जो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना, जहाँ से लीव की शुरुआत होती है। अब दो लीव, ये जो दो पॉइंट हैं, ये दोस्त मेरे क्या कहलाते हैं? नोड्स, है ना, नोड्स। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली उसे इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड। तो वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, कौन से? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये अल्टीमेटली किसमें हेल्प कर रहे हैं? प्लांट की ग्रोइंग, है ना, प्लांट की लेंथ में या डायमीटर में या उसके ऑर्गेन्स की ग्रोइंग में ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है।